जन्म मरण परण तीन भगवान के हाथ में है। जहाँ लिखा होगा वहीं होगा, उसके लिए कोई विचार नहीं करना है हमको। मृत्यु का जब लिख दिया उसने तभी जाना है, उससे पहले अगर तुम सुसाइड कर भी लोगे ना ये बांध बुंदा के और कुछ खा पी के या ट्रेन के नीचे या बस के नीचे, कुछ नहीं होना है। अभी भी मंडरा रहे हो, बाद में भी मंडराओगे, बस अंतर इतना है अभी नीचे मंडरा रहे, उससे ऊपर मंडराओगे, बैकुंठ नहीं जाने वाले, नरक रेत की योनि में पड़े रहोगे, भटकते रहोगे। मन में अगर प्लान बना रहे हो तो बिल्कुल छोड़ देना कि मैं तो नहीं मरूं दादा, सीओर वाला महाराज बोला है मंडराते रहोगे का मतलब, इससे तो जीता ही जी मंडरा लो, सही है कि गलत है, कभी इधर कभी उधर, काहे को मरे, जीते जी भी मंडरा होते। तो इसलिए निवेदन ही फालतू का काम तो करना ही नहीं अपने, मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में प्रीति ना हो तो मरो, मालूम पड़े फिर मरे फिर जिंदा, फिर मरे फिर जिंदा, और अगर आड़े तेड़े मर गए तो ऊपर ही मंडराते रहो, बीच में पृथ्वी से भगवान के बीच में, ना ऊपर कह रहा है ना नीचे कह रहा है। किसी किसी के साथ ऐसा होता है, माता पिता से झगड़ा कर बेटी किसी अन्य वर से विवाह कर लेती है, या बेटा उस कन्या से विवाह कर लेता है। खूब समझाया माता पिता ने, खूब समझाया गुरु ने, खूब समझाया रिश्तेदारों ने, मत कर, पर नहीं माना, किस्मत में लिखा था कर लिया, और मालूम पड़े दो साल बाद दोनों अदालत में फिर खड़े, अब हमें को देना ही नहीं साथ, मंडरा है, पहले भी मंडरा है ऊपर भी जाने के बाद, क्या मतलब। अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। ये मौका मिला है मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है मानव का शरीर का, समझो कि कितना मुश्किल से मिला है कि भगवान भी पृथ्वी पर माता के गर्भ से जन्म लेने के लिए तरसते हैं, वो शरीर तुमको मिला, कोई साधारण मिला है। जब